व्हीली कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग कोई भी बाइक से करो, ये हो ज़्यादा मेन फोकस रखना आप ब्रेकिंग पे, तो ये ब्रेकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना, तो ये आपको पलटने नहीं देगा। व्हीली से व्हीलीज आज स्टार्ट होगा तो लंबा सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज का सीन कुछ अभी पता नहीं है भाई, अभी तो यार इतना ज़्यादा लेट हो गया है ना, क्या ही बात करें। और मेरा तबीयत वबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसका वजह से ब्लॉग में भी थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोगों को। तो अभी जा रहे हैं भाई हम लाक्स के पास, यानी लाक्स से मिलेंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, यानी कहाँ जाएंगे देखते हैं कहाँ जाने का। तो चलो फिर मिलते हैं लाक्स लोग से, और फिर चलो देखते हैं कि कहाँ जाते हैं आज। चलो आप लोग भी देखो, बने रहो वीडियो पे लास्ट तक, और धमाका सीन देखो व्हीलीज। अरे भाई दीदी उमेन, भाई उमेन तो थोड़ा सा भगाया जाए। तो ये देखो मेरे साथ अभी है लाक्स, और लाक्स का बाइक तो पता होगा आप लोगों को कि लाक्स का बाइक नहीं है, तो ये अजीत का बाइक चला रहा है, और हम अपना बाइक पे आज कल चला रहा था ये मेरा बाइक, और पीछे है डार्क बॉय और अजीत। तो चलो चलते हैं उधर, और अजीत का में फ्यूल नहीं है तो अजीत का फ्यूल भी करवाना है, तो और रोहित का पीछे वाला टायर में पंचर है शायद, तो उसको भी ठीक करवाना है। तो चलो ठीक करवा लेते हैं फिर हम लोग। मेरा हैंडल थोड़ा सा हमको दिक्कत लग रहा है, कल पूरा व्हीली चला था, इससे अगला वाला ब्लॉग सब में आप लोगों ने देखा था कि व्हीली पे व्हीली, ओली पे व्हीली, यानी बहुत ज़्यादा व्हीली पड़ा था। तो शायद हमको लग रहा है कि इसका रेसर थोड़ा सा ढीला हो गया है, जिसका वजह से शायद थोड़ा सा कांप रहा होगा। तो चलो अभी चलते हैं, पहले फ्यूल अप करवाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम लोग का सीन कहाँ पे बनता है जाने का। पहुँच चुके हैं अभी हम लोग खरसीदाग, और अभी जा रहे हैं हम लोग पेट्रोल पंप फ्यूल अप करवाने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अभी हम लोग पास, तो वंस अगेन व्हीली ट्राई किया जाए, वंस और मोर ट्राई। तो ये देखो व्हीली, तो आज व्हीली पे व्हीली, हो आराम से भाई, ये था छोटा छोटा। चलो हवा भरवा लेते हैं, पंचर नहीं बनवाएगा शायद, बाद में बनवाएगा। तो एक चीज़ दिखाएं आप लोग को, 120 दिखा रहा है, दो बार भगाएंगे ना तो 90-80 पे आ जाता है। अरे बहुत भाई, एक चीज़ दिखाएं आप लोग को, हम गियर वाला ये जो है ना, ये टाइट करवाए थे जब लाख जब व्हीली करने के लिए गया था तब, तो ये वाला हम लोग लिए हुए हैं। देखो ये गियर शूज़, तो उसको गियर शूज़ ही बोला जाता है। तो इसका में जो ये लगा हुआ है देखो, ये वाला हम लोग लिए हुए हैं दोनों, कोई लाक्स और हम भी लिए हैं, पर उसमें लगाए नहीं हैं। तो देखो भाई कैसा लग रहा है, आज चमक रहा है ना भाई, कल ही धोए थे पूरा चकचिक। और इससे पहले वाला ब्लॉग सब में तो देखो कि व्हीली पे व्हीली चला था, तो देखो आज तीन ही बाइक है, कातिया भी नहीं है हम लोग के साथ। व्हीलीज से व्हीलीज आज स्टार्ट होगा, तो अभी रिंग रोड हम लोग फिलहाल आ चुके हैं। और भाई गंदा तो नहीं हुई है ना जिया, गंदा मत होना यार, गंदा होती है तो अच्छी नहीं लगती है तुम। हाँ भाई देख रहे हो, ग्लव्स यहाँ ये क्या है भाई, ये ये क्या है यार, ये क्या है यार। सो चलो गाइस चला जाए, ट्राई किया जाए व्हीली,
ये था छोटा सा व्हीली, मस्त था और मज़ा आया फिलहाल तो। चलो देखो गौरव का व्हीली। ओ हो, ये अभी अजीत का बाइक में कर रहा है फर्स्ट टाइम व्हीली, तो इसीलिए थोड़ा सा। और ओ भाई ये हाय बॉयज लोग, भाई कहाँ रह गया पीछे, आज थोड़ा सा पीछे हो गया। हाँ चलो ओ हो, लंबा भाई, मस्त था भाई, मस्त मस्त तीन गियर। और आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो बस हम हुडी पहने हैं और अंदर भी कुछ नहीं पहने हैं। और ये लोग देखो, ये लोग भी पीछे पहुंच गया, व्हीली भी ट्राई किया जाए, ये अच्छा है, खाली है। ये था भाई छोटा सा। फाइनली हम लोग इस तरह का लोकेशन जो कि बायो के बैक साइड पे, मतलब पीछे साइड में, यहाँ पे रोड पूरा खाली है, तो हम हैं लाख से उल। और ये देखो अभी फिलहाल लाख आप लोग को कुछ बताएगा, मतलब व्हीली कैसे करते हैं हम लोग, व्हीली कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कोई बाइक से करो, ये हो गया आप लोग के पास अभी, तो आज दिन में बताएंगे कि व्हीली कैसे होता है। आप लोग अगर आप लोग के पास दूसरा स्पोर्ट बाइक है या फिर आपके पास डेली कंप्यूटर बाइक है, आप मार सकते हो व्हीली, तो बहुत आसान है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग जहाँ भी व्हीली सीखोगे, चेक करना कि ये जगह एकदम क्लियर हो, ये वाला जगह देखो और विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो खाली जगह चुनना व्हीली करने के लिए। और हाँ सेफ्टी गियर जरूर रखना, अभी तो बस ऐसे बता रहे हैं, हेलमेट ज़रूर से पहनो और जितना सेफ्टी गियर है उतना पहनो। और हाँ शूज भी बहुत ज़रूरी है, शूज जरूर पहनना। और चलो बताते हैं बाइक की तरफ कि नहीं तो फिर कोई कोई तो चप्पल में ही करने स्टार्ट कर देता है, तो चप्पल में नहीं करना, हाँ स्लिप कर जाता है उसमें, वो गियर में फंसने का भी डर है और फिर गिरोगे तो फिर ज़्यादा लगेगा। जैसे कि आप लोग को पता है सबका डिफरेंट पावर है, डिफरेंट टॉर्क है सबका, तो इसमें भी अलग है, हम लोग का ड्यूक 390 में भी अलग है। और जैसे आप लोग NS पल्सर चाहे डेली कम्यूटर बाइक से भी कर रहे हो तो उसमें भी पावर अलग है। तो सबसे पहले आपको तो एक्सीलेटर लेना है, और एक्सीलेटर एक बार RPM दिखा देते हैं, इसमें कितना RPM पे करना है, इसमें MT में शायद MT में, तो MT में आपको 9000 RPM तक जाना है। और जैसे आप एक्सेलरेट करोगे 9000 RPM तक जाएगा, और उसके बाद आपको क्लच पकड़ना है 1 या फिर 2 फिंगर से, तो ज़्यादा कोई तो 2 से पकड़ते होंगे लेकिन 1 बेटर रहता है, तो 1 सीखने के लिए टाइम लग जाता है। आप लोग धीरे धीरे उसके बाद हम लोग तो 1 फिंगर से करते हैं। तो देखो ऐसे क्लच छोड़ने से अचानक गाड़ी टॉर्क देगा और उसके बाद से फिर थोड़ा झटका लगेगा गाड़ी को और व्हीली होगा, तो यही बस यही प्रोसेस है। एंड उसके बाद जैसे आपका गाड़ी व्हील अप हुआ और उसके बाद आपको ब्रेकिंग यूज़ करना है, तो ब्रेकिंग में ही मेन सबसे हार्ड वही होता है ब्रेकिंग सीखना। तो ब्रेक आप पैर को आप ऐसे भी कर करके सीख सकते हो, ऐसे करते रहो पैर को, ज़्यादा मेन फोकस रखना आप ब्रेकिंग पे, तो ये ब्रेकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना। तो ये
आपको पलटने नहीं देगा। ये बस एक्सीलेटर लेना है, क्लच छोड़ना है और ब्रेक यूज़ करना है, बस यही प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है और बस आपको प्रैक्टिस करना है और कोई और आप धीरे धीरे सीख जाओगे व्हीली। जो एकदम बिगनर है, जो एक भी नहीं जानता है व्हीली, उनको तो टाइम लगेगा थोड़ा, बट जिन्हें थोड़ा सा आता है तो वो बस फोकस करना थोड़ा एक्सीलेटर पे और ब्रेकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। तो चाहे गाड़ी कुछ भी हो जाए, ज़्यादा भी पीछे हो जाए तो आप पैनिक मत होना, ब्रेक यूज़ कर लेना ये वाला, तो उससे आप पीछे नहीं गिरोगे। आप लोगों ने देखा कि लाक्स ने बताया कि व्हीलीज कैसे करता है और कैसे, तो ये भाई वही मेन है सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग। और अगर ब्रेकिंग आप लोग सही ढंग से नहीं कर पाते हो तो व्हीली ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, एक ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग भी लंबा लंबा व्हीली कर पाओगे। तो गाइस लाक्स गया है व्हीली करने के लिए, जो एमटी पे बता रहा था ना किस तरह से किया जाता है, तो उस चीज़ को वो करने के लिए गया हुआ है। उधर से उधर से ये आराम से पॉप अप। गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि गौरव ने व्हीली करके दिखाया आप लोगों को और बताया कि कैसे व्हीली करते हैं। और यार व्हीली लोग जानते होंगे कि जब हैवी सीसी मतलब ज़्यादा पावर वाला बाइक के जैसे कि 390, 250, ड्यूक 200, उस पर थोड़ा सा व्हीली करने टाइम थोड़ा सा, जैसे कि 390 पे बहुत जल्दी व्हीली हो जाता है, हम लोग सेकंड गियर पे व्हीली करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर भी है, तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है गिरने का। और ब्रेक अगर नहीं संभाल आप लोग कम सीसी पे जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, आर्क्स 100, वो सब पे ज़्यादा पे व्हीली ट्राई करो, क्योंकि उस पर अगर गिरोगे भी तो संभल के करना। और ब्रेकिंग, ये वाला ब्रेकिंग, ब्रेकिंग का हमेशा ध्यान रखना। और आप लोग उस पर अगर गिरते भी हो तो भाई हम यही बोलेंगे कि कम सीसी पे करो और अच्छा से करो और सेफली करो सभी चीज़। हेलमेट पहन के जरूर करना, अभी देखो हेलमेट हम रख दिए, अभी गौरव भी हेलमेट पहन लिया, हमेशा हम लोग हेलमेट पहन कर ही सभी चीज़ करते हैं, राइडिंग भी करते हैं तो पूरा सेफ्टी गियर्स पहन कर ही करते हैं हम लोग। सो गाइज बाकी सभी के लिए तो टेडी डे, क्या डे पता नहीं क्या क्या डे, हम लोग के लिए तो आज क्या डे है भाई, आज टायर डे है भाई हम लोग के लिए, आज टायर डे, मजा आ जाता है टायर, देख रहे हो नया टायर लगाए हैं भाई हम, धो धा के आए थे लेकिन गंदा हो गया, हाँ धो के लाए थे भाई, गंदा हो गया, अभी चलो साफ करो, अभी अभी साफ करेंगे, हाथ से साफ करेंगे भाई, टायर डे है यही मेरी सब चीज है भाई, वो टेडी फेडी डे हमको कोई मतलब नहीं है उस सब से, टेडी डे सब हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको मेरी जिया ही सबसे अच्छा है, बाइक है तो सब है जैसा लगता है भाई। वो सारा चीज और अच्छा, वीली मार भाई, वीली वीली मार, वीली डिमांड देख रहे हो बच्चे लोग का भाई, खतरनाक डिमांड, वीली मार वीली मार भाई, सभी बच्चा लोग को पता है कि आजकल वीली हो रहा है, बस वीली चल रहा है, तो वीली मार वीली मार। आंटी भाई बीच रोड में देख रहा था भाई, बीच रोड में एकदम मस्ती से चल रही है, वो भी टर्निंग पे, तो रोड में पे भाई बहुत रिक्सी है, तो अचानक सा सलाम देखने मिला हमको, हम बोल रहे तुम भी भगा के तो नहीं आ रहा है ना कहीं, वही ना तुम, इसीलिए हम हाथ दे दिए, हम जान रहे तुम भगाते आ रहा है।
का अलग ही पावर है, पर मेरा चेन स्प्रॉकेट भी ख़राब है तो फिर भी थोड़ा बहुत खींच ही ले रहा है। आप टाइम आ चुका है वीडियो को एंड करने का, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, व्हीलीज कैसी लगी, और आप लोग को व्हीलीज का ट्यूटोरियल कैसा लगा, और व्हीलीज जो जैसा बताए ना भाई वैसे ही करना, और ज़्यादा मेहनत करो तो अच्छा है, अगर मेहनत करके नहीं सफलता करना चाहते हो तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ब्रेकिंग सीखो, सबसे अच्छा है कि ब्रेक करने का ट्राई करो हमेशा, और बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो। इस पर मत करो कि एक बार गिर जाते हो तो भाई गिर जाएंगे, वैसे बार बार नहीं, तो कम सीसी वाला बाइक पे ज़्यादातर ट्राई करो तो उससे अच्छा होगा। तो सो गाइस, वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कमेंट करना तो भूलना ही मत भाई, और अगर वीडियो में न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, ड्यूकी बॉय ही है, और यार अच्छा अच्छा रील्स देखो।